हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो हम डेली लाइफ में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में या डेली एक्टिविटीज़ में जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, इनकी स्पीड और एक्यूरेसी जो होती है, इनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी एक्यूरेसी इसकी वजह से क्या है कि ये कंप्यूटर इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए डेली लाइफ में कि सॉरी, मैक्सिमम जगह यही कंप्यूटर यूज़ किए जाने लगे। ठीक है, जहाँ तक साइज की बात, अच्छा पहली बात यह है कि दूसरी चीज, व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, बिकॉज दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइंड बेस्ड ऑन द माइक्रोचिप। इनकी जो डिजाइनिंग होती है, इनको जो डिजाइन किया गया है, दैट इज बेस्ड ऑन माइक्रोचिप्स, जो छोटी छोटी आईसीज होती हैं, आईसीज, ठीक है, उन पे इनकी डिजाइनिंग बेस्ड की गई है, तो इनको इसलिए माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसकी अगर, और ये कंप्यूटर हर जगह यूज किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, यानी दे आर वर्सेटाइल इन नेचर, मतलब इन कंप्यूटर्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे एक तो हम लोग अपना ऑफिस में जो आप देखते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो टेबल पे रखे रहते हैं या लैब्स में रखे रहते हैं, ये सारे ये आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं। फिर लैपटॉप, आज की डेट में मैक्सिमम लोग यूज करते हैं लैपटॉप, ठीक है, ये भी आपके माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। लैपटॉप के अलावा और भी हल्के और छोटे, उसमें जैसे नोटबुक जो आती है कई कंपनीज की, ठीक है, तो ये सारे जो है क्या है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि सिंपली अगर माइक्रो कंप्यूटर को आप डिफाइन करना चाहें, तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर हम बेसिकली डिफाइन करना चाहें कि माइक्रो कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या, तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर मेन वो कंपोनेंट है, ठीक है, इसके बारे में कभी आपको सेपरेट लेक्चर में डाल दूंगा, वीडियो लेक्चर, तो आप देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। आप सिंपली समझ लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का वो मेन कंपोनेंट है जहां पे सारी प्रोसेसिंग, जिसके द्वारा सारी प्रोसेसिंग की जाती है। तो माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर, और प्लस एक होता है आपका सीपीयू, जिसको आप कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ये दोनों मिलके कंबाइंड रूप से एक माइक्रो कंप्यूटर इनको कहा जा सकता है, ठीक है, इनको कंबाइंड रूप से हम एक माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, इनका जो साइज रहता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्पेस लेते हैं, आप जैसे देखे होगा आपने, आपने ऑफिसों में, कॉलेजों में, अब तो कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल होता है, तो इनका जो साइज है वो मेन फ्रेम की अपेक्षा, मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है, इनका जो साइज है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। और जब इन कंप्यूटर्स को, मान लीजिए ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर और एक सीपीयू है, ये हमने कहा कि एक माइक्रो कंप्यूटर है, इसके साथ जब हम एक कीबोर्ड जोड़ देते हैं, एक कीबोर्ड, ठीक है, एक कीबोर्ड, और जैसे आज की डेट में जो ज्यादातर एप्लीकेशन है वो, और एक हमने माउस जोड़ दिया, माउस, ठीक है, तो अगर इस माइक्रो कंप्यूटर के साथ हम एक कीबोर्ड और एक माउस जोड़ दें, ठीक है, तो इसको ये क्या बन जाता है, तब ये पूरा हमारा बन जाता है एक, ये कंप्लीट हमारा एक बन जाता है क्या, पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और प्लस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। जब इसके साथ हम एक कीबोर्ड और एक माउस जोड़ देते हैं, इनपुट डिवाइसेस जोड़ देते हैं, तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक पर्सनल कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि
आउटपुट देखने के लिए हमको, ठीक है, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और जो भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपका ये पूरा एक कंप्यूटर बन जाएगा। यानी कि आप इसके साथ क्या कीजिए, एक मॉनिटर आपने और जोड़ दिया आउटपुट देखने के लिए, यहाँ पे आपने जोड़ दिया मॉनिटर, तो ये कीबोर्ड माउस प्लस ये सीपीयू के साथ माइक्रोप्रोसेसर और प्लस एक मॉनिटर, ये पूरा एक हमारा एक यूनिट बन जाता है पर्सनल कंप्यूटर का, जिसके द्वारा हम अपने डेली एक्टिविटीज या जो भी हमारे पास टास्क अवेलेबल है कंप्यूटर से कराने के लिए वो हम इससे करा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द माइक्रो कंप्यूटर। अब इस माइक्रो कंप्यूटर में हमने आपको बताया था कि क्या एग्जाम्पल आपको बताया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और एक और आपको बताया था, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपली डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप लोग ऑफिसेज में रखे हुए, कॉलेजों में, कहीं पे भी, शॉप्स पे, अब तो कंप्यूटर आपको हर जगह, रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे उनके ऑफिस रहते हैं, सब जगह आपको जो कंप्यूटर रखा दिखता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। तो अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को मान लीजिए क्लियरली आपको डिफाइन करना चाहें इसको, अब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर का ही एक टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो पहली बात तो इसके नाम से ही समझिए, डेस्कटॉप मतलब डेस्क के टॉप पे आप इसको रख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। और आप देखते भी कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है या डेस्क के ऊपर रखा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकेंड चीज क्या है कि ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये इस समय हैवली यूज या यू कैन से मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज बींग यूज इन दीज डेज। करीब करीब जितने भी कंप्यूटर वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं उनका करीब 46% यही डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आप ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंप्यूटर है, ठीक है। चाहे आपका वो होम ऑफिसेज हो गया, घर हो गया, होम हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो गया, सब जगह ये मैक्सिमम यूज होते हैं, हाईली पॉपुलर है और इनका हाईली पॉपुलर, ठीक है। और इनके हाईली पॉपुलर होने के पीछे रीजन क्या है, एक तो ये है साइज, भाई आप देखते ही आराम से आप इसको टेबल पे रख लीजिए या डेस्क पे लगा दीजिए या कहीं पे भी, और दूसरा क्या है इनकी ड्यूरेबिलिटी, भाई अगर आपने अच्छे कंपोनेंट्स उसमें यूज किए हुए हैं या आपने ब्रांडेड कंप्यूटर खरीदा है तो ड्यूरेबिलिटी मतलब सालों साल चलते हैं, और तीसरा क्या है कॉस्ट वाइज भी ये कंपेरेटिवली चीपर होते हैं। तो साइज हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गई और चीपनेस हो गया, ठीक है। इसकी वजह से ये कंप्यूटर इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि इन्होंने करीब टोटल कंप्यूटर की मार्केट का लगभग आधा अप्रोक्सीमेटली 46% इन्होंने ही कवर किया हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ने, ठीक है। और जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आपके, जैसे हम लोग बात करें अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी की, ठीक है, अपने कंट्री में इंडिया में, तो क्या होता है कि जो अपना मीडियम क्लास जो लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट सूटेड कंप्यूटर्स हैं। मीडियम क्लास लोगों को क्या करना रहता है कि उनको चाहिए कि अपने जो भी वो पैसा लगा रहे हैं उसका बेस्ट उनको चाहिए, तो उसके लिए ये कंप्यूटर बेस्ट होते हैं मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए, चाहे वो होम पे इस्तेमाल करें, साइबर कैफे में, शॉपिंग मॉल में, बिजनेस इंस्टीट्यूशन में, ऑफिसेज में, कहीं भी आप इस्तेमाल करिए, तो दीज आर द बेस्ट कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर्स जो डेस्कटॉप कंप्यूटर पिक्चर में आए, ये जो डेवलपमेंट इनका शुरू हुआ वो जनरली शुरू हुआ यू कैन से 1970 से क्या शुरू हुआ कि ये कंप्यूटर जो है मास स्केल पे बनाए जाने लगे, मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए इनका प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। और जब भी आप डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में आप बात करेंगे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जब आप देखेंगे किसी भी कंप्यूटर को तो आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स जो आपको विजिबल होते हैं उसमें आप क्या क्या देखते हैं, एक आप देखते हो कि डब्बा जैसा रखा हुआ है, ये
आप देखते हैं ना इस तरह, ठीक। उस ये क्या कहलाता है, ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। फिर माउस, आप सब लोग जानते हैं माउस रखा हुआ है, ठीक। फिर कीबोर्ड रखा हुआ है, अपना कीज बनी हुई है इसमें, ठीक। और इसके अलावा एक क्या होता है, आप देखते हैं कि मॉनिटर रखा हुआ है, ठीक है। और अब तो इतना देखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर आ गए, बहुत पतले इस तरह के, ठीक। और ये मान लीजिए ऐसे, ये इसका बेस हो गया, ये हो गया मॉनिटर। तो किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप विजिबल कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें दिखेंगी, एक ये जो डिब्बा जैसा दिखता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। उसी के अंदर सारी मशीनरी होती है, मदरबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर है, और रैम है, रोम, ये सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें होती हैं, एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक मॉनिटर होता है। तो ये सब मिलके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाते हैं। अगर टेक्निकली हम करेक्ट बात करें तो इस मॉनिटर को हम बोलते हैं वीडीयू। वीडीयू स्टैंड्स फॉर वीडियो डिस्प्ले यूनिट, जहां पे हम आउटपुट देखते हैं। सेकंड हो गया आपका कीबोर्ड, थर्ड हो गया आपका माउस, और फोर्थ हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वीडियो, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये चारों मिलके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाते हैं। अब उसके बाद अगर हम, ये तो हो गया मतलब फिजिकली जिनको आप देखते हैं, ठीक। अब हम टेक्निकलिटी के अंदर आए कि टेक्निकली अगर किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को हमें डिफाइन करना है कि उसके अंदर क्या क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है, ये तो मैकेनिकल विजिबिलिटी हो गई कि हाँ ये चार पार्ट हमको दिखते हैं। अब टेक्निकल इसके स्पेसिफिकेशन पे हम बात करें तो सिंपली इसके जो डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या होता है, सब पहला आप लिखिए। एक तो हो गया मदरबोर्ड, मदर बोर्ड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये मदरबोर्ड। दूसरा हो गया प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर, अभी मैं सारी डिस्कस करता हूं सारी चीजें। तीसरा हो गया एचडीडी, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये तीन मेन हो गए, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क ड्राइव। चौथा है आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। फिर हो गया आपका पांचवा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। और फिर सिक्स्थ हो गया आपका रैम, मॉडेम और कंप्यूटर की पावर सप्लाई, यानी आप लिख सकते हैं छठा हो गया आपका रैम, अभी इसको भी बताते हैं। फिर हो गया आपका मॉडेम, मॉडेम का यूज भी बताते हैं, और हो गया आपका पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाते हैं। अब देखिए मदरबोर्ड क्या होता है, और ये सारी चीजें जो है आपकी मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, रैम, ये आप पावर सप्लाई भी अंदर, ये सारी देखिए, मॉडेम को छोड़ के या कुछ केसेस में मॉडेम भी, ये सारा आपको वो जो आप सीपीयू जिसको अभी आपने देखा था ऐसे डब्बा जो आप देखते हैं रखा हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर ही रहती हैं। ये जो आप देखते हैं ना यहाँ पे अलग अलग ड्राइव्स लगी हुई हैं, यहाँ बटन लगा हुआ है, ये लगा हुआ, ये तो ये सारे कंपोनेंट इसके अंदर ही रहते हैं, क्लियर। मदरबोर्ड क्या होता है, सिंपली मदरबोर्ड क्या होता है, ए बोर्ड कंसर्न प्रिंट कॉन्सेंट्रेटिंग प्रिंटेड सर्किट। मतलब मदरबोर्ड क्या होता है उस पे, अब कभी आपको जब और डीप में जाएंगे तो बताएंगे। मदरबोर्ड में एक पीसीबी लगा होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रिंटेड, या आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसी के ऊपर प्रोसेसर और उसको प्रोसेसर को कूलिंग करने वाला फैन और वो सारी चीजें इसके ऊपर लगी होती हैं, उसी के ऊपर फिट रहती हैं, ठीक। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, जहां पे आप जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, आप हार्ड डिस्क जहां पे डाटा स्टोर होता है आपका,
ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव मतलब जहाँ पे आप सीडी वगैरह लगाते हैं, चाहे आपकी रिराइटेबल सीडी है चाहे आपकी ऑर्डिनरी सीडी है, जहाँ पे आप सीडी लगाते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जहाँ पे आप फ्लॉपी लगाते हैं। अब आज तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ फ्लॉपी का यूज़ कम होता जा रहा है, अभी तो आप लोग पिन ड्राइव और मेमोरी कार्ड और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। खैर, तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया। रैम क्या होता है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम में क्या होता है कि जो आप काम कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं भाई कंप्यूटर मान लीजिए आपके 10 एप्लीकेशन है, या ऐसे आप समझ लीजिए और इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके बुक शेल्फ में 20 किताबें रखी हैं, आप उसमें से एक किताब या दो किताब ला के टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, तो वो जो टेबल का स्पेस है, आप 200 किताब तो एक साथ ला के पढ़ते नहीं है, तो वो जो टेबल का स्पेस है वो एक तरह से आपका रैम हो गया। जो भी आपके रनिंग एप्लीकेशन है, रनिंग जो रनिंग एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन इस समय, जो सॉफ्टवेयर आपके इस समय यूज हो रहे हैं, जो रन कर रहे हैं प्रेजेंटली एट ए टाइम, वो रैम में काम करते हैं। रैम की प्रॉपर्टी ये भी होती है, आगे रैम को डिस्कस करेंगे और डीप में, कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें जब तक पावर है वो चीजें हैं, अब आपने ऑफ किया वो चीजें रैम से चली जाती हैं, ठीक। मॉडेम क्या है? मॉडेम आपको मालूम है, इंटरनेट यूज करने के लिए मॉडेम की जरूरत है। मॉडेम का नाम, इसको मॉडेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों काम करता है। और ये क्या होता है इसको आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको भी जानना है, ठीक। और इन सब के साथ एक पावर सप्लाई होती है, जो हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है 220 वोल्ट एसी को कन्वर्ट कर देती है डीसी में, और फर्दर वो चला जाता है आपका कंप्यूटर में अपना बाकी कंपोनेंट्स को काम करने के लिए। तो ये मैंने आपको काफी ब्रीफ में बता दिया कि दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, और इन्हीं की वजह से कंप्यूटर्स, आपका ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है मोस्ट पॉपुलर है, आधे से करीब करीब आधा मार्केट इन्होंने पूरे वर्ल्ड में कैप्चर किया हुआ है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स चीपनेस एंड ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी, ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इन इन टर्म्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।